हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो हम वीडियो कर रहे हैं ना, वो है कपिल शर्मा स्पीकिंग इंग्लिश फनी। तो फ्रेंड्स, हमें तो पता है, हमने इतने सारे कपिल शर्मा के जो शोज देखे हैं उससे ये तो पता चल चुका है हमें कि बेचारे जो कपिल शर्मा है उनको इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं है। पर जिस तरह से वो इंग्लिश बोलते हैं ना, इतना मजाकिया अंदाज होता है कि आप हंसते जाओगे और हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो ऐसे लग रहा है इन्होंने कुछ इंग्लिश में बोला है शायद इसमें, और बड़ा कुछ फनी होने वाला है। तो वेट नहीं कर सकते, बहुत है कि भाई जल्दी देखें, क्योंकि इनकी कॉमेडी तो बड़ी मजेदार होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले आप वो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको क्लिक कर दो, और उसके साथ जो बेल आइकन है ना उसको भी क्लिक कर दो। क्यों? ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस, इस टाइप के, सीरियस टाइप के, हर टाइप के, आप कुछ भी सोचो, भक्ति टाइप के, आपको वो सब मिलेंगे इस चैनल पर। तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कब आएगा वो वीडियो नहीं तो आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होगा और आप मिस कर दोगे। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक, और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं कपिल शर्मा की इस बारी क्या बोल रहे हैं वो इंग्लिश में। फिल्म में तो काफी रेवोल्यूशनरी सीन भी थे और कई फिरंगी एक्टर भी थे, फिर उनसे कैसे बात करते थे? अरे वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। अच्छा, उनको सिखा दिया आपने? अरे नहीं, वो एक्चुअली जो सच में हिंदी में बात करते थे प्रॉपर्ली। एडवर्ड, हाँ। एडवर्ड। जब हम पहले दिन सेट पे मिले तो मैं कहा, हाय इशिता, हाउ आर यू, मोनिका, ये वो सब मैं सेल मिल रहा हूँ, और जो गोरा उसको देख के मुझे मौत पड़ गई। मैं कहा हाय एडवर्ड, कहता हाय। मैं कहा उसको लगे कि मेरे में एटीट्यूड है, अब मेरे को लगे कि मैं दूसरा सेंटेंस कैसे शुरू करूँ। फिर मैंने बोला, ओह सो वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम यूएस। मैं कहा ओके, फिर मैं चुप हो गया। उसको लगे कि ये ऐसे ही बात करता है, अब उसको क्या पता मैं इधर मुंह करके तीसरा सेंटेंस बना रहा हूं। मैं कहा ओके, तो जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं ना कि टूरिस्ट को सवाल पूछते हो, हैव यू एवर बीन टू इंडिया, मुझे और कुछ सूझा ही नहीं। जो गोल्डन टेंपल में मैंने किसी को पूछते हुए सुना था कि हैव यू एवर बीन टू इंडिया, मगर हैव यू एवर बीन टू इंडिया, कहना यस आई एम स्टेइंग हियर फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स। तो उसको बाद में पता चल गया, कहते प्रॉब्लम है तो हिंदी में भी बात कर सकते हो। तो मैं कहा पहले बोल मर मेरा, क्यों तूने मुंह टेढ़ा करवाया हुआ है इतनी देर से। तो पर अभी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है सर, आई मीन आई कैन स्पीक वेरी वेल विदाउट एनी इंटरप्शन। ये कैसे हुआ सर? बस ऐसे ही, मैंने अपने शो में बड़े बड़े ना सेलिब्रिटीज ऐसे बुलाने शुरू कर दिए। जैकी चैन साहब आए इंडिया में पहली बार, सिर्फ हमारे शो में आए। मैंने क्रिस गेल को बुला लिया। ये ना फॉरनर लोग जो होते हैं ना, इनका एक फायदा है, हमारे जो इंडियन लोग हैं ना, ये गलतियां निकालनी शुरू कर देते हैं। यू नो दिस इज एक्सेंट इज वेरी बैड, खासतौर पे लड़कियों को बड़ी बीमारी होती है ये कि माई हिंदी इज नॉट सो गुड। कभी इंग्लिश के बारे में नहीं बोलेंगे कि हमारी इंग्लिश खराब है, हिंदी को उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये बाहर के लोग गलती नहीं निकालते, फीलिंग समझते हैं। और मैंने ऐसे क्रिस गेल को पूछा, क्रिस गेल आए मेरे शो में, वो बड़ा खतरनाक सा बैट्समैन है, दैत्य जैसा, धड़ाधड़ छक्के पे छक्का मारता है। तो मैंने कहा हैव यू एवर प्लेड द गली मोहल्ला क्रिकेट? उसको नहीं समझ में आया। मैं कहा इन अवर सोसाइटी देर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड थापी, अवर मदर यूज टू स्लैप द क्लॉथ्स विद द थापी, पुट सम डिटर्जेंट, देन चपक छप छप, एंड आफ्टर दैट द वर्क इज डन वी टेक दैट थापी एंड गो टू द गली एंड क्रिकेट। सो यू लाइक? कहता यस, इट हैपन सेम इन द साउथ अफ्रीका, ऐसे बोला वो। तो मैं कहा यार कल्चर तो सेम ही है फिर, मतलब कुछ अलग नहीं है। तो बंदे सारे अपने जैसे ही होते हैं पूरी दुनिया में, ये तो बस ऐसे ही लैंग्वेज जो है इसने बना दिया कुछ। वो तो गोरे हम पे राज कर गए तो उनकी इंग्लिश जो है इंटरनेशनल हो गई, नहीं तो हम लोगों ने राज किया होता पूरी दुनिया में तो हो सकता है ट्रंप भी आज हिंदी बोल रहे होते, तो बड़ी बात नहीं है सर। तो फ्रेंड्स, जैसे ही बंद हुआ ना तो हस्बैंड इतने दुखी होके परेशान होके थे, बस इतना सही क्योंकि इतना मजा था, मैं प्रिपेयर्ड थी, मुझे पता था छोटा वीडियो है, इनको पता नहीं था। मेरे को नहीं लगा यार ये अभी तो शुरू हुआ है, बात क्या है? उन्होंने एक छोटा सा क्लिपिंग ही मुझे लगता है डाला हुआ है, पर अच्छा था, बड़ा मजेदार था। अरे बाप रे, वही बता रहे हैं ना कि कितना इंग्लिश ने हमें, हम उसके मतलब हावी हुआ पड़ा है हम पे, कि जिसको इंग्लिश नहीं आती जी उसको तो मतलब वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, ऐसा दिमाग में डाला हुआ है, जो कि बहुत ही गलत बात है। और वो बता रही है कि आजकल तो लड़कियों को ऐसे लगता है, जब एक्ट्रेसेस प्रॉब्ली ये बुलाते होंगे अपने शो पे तो वो ये कहते हैं मेरी जो हिंदी है ना वो थोड़ी वीक है, पर इंग्लिश में कभी नहीं बोलेंगे कि इंग्लिश वीक है, उनको लगता है कि ये बड़ा स्टाइल स्टेटमेंट बोल रहे हैं। तो
तो वही वो कह रहे हैं, कहते हैं कि पर जो बाहर के लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है उनको ऐसे नहीं लगता अगर आप गलत इंग्लिश बोलोगे। यूएस में भी ऐसे ही है कि कई लोग हैं जिनको अलग अलग कंट्रीज से आए हैं तो उतनी इंग्लिश आती नहीं है, तो कई बार हम देखते हैं कि वो जब इंग्लिश में उनसे बात करते हैं तो बहुत प्यार से जो है ना दूसरा सुन रहा होता है और समझने की कोशिश करता है, ऐसे नहीं दिखाता है तुम्हें इंग्लिश ही नहीं आती तुम पढ़े लिखे थोड़ी को, इसका मतलब उस तरह की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, बल्कि ज्यादा रिस्पेक्ट और ज्यादा पोलाइट होते हैं वो ऐसे लोगों के जिनकी इंग्लिश ठीक नहीं, क्योंकि वो कोशिश कर रहे होते हैं कि इनकी समझ के फिर उनको आंसर करें। तो ये डिफरेंस है वो कह रहे हैं यहाँ पे, बल्कि जबकि इंडिया में उल्टा है। तो वैसे अब आपको पता चल रहा है ना कि जैसे इंग्लिश कईयों को नहीं आती वैसे कई लोगों को हिंदी नहीं आती, इक्वल है। और हमने हिंदी ऋषि के साथ भी एक वीडियो किया था जिसमें हमने आपसे बताने की कोशिश की थी कि हिंदी भी एज डिफिकल्ट एज इंग्लिश या हिंदी भी एज इजी है एज इंग्लिश, लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, कि कोई बड़ी नहीं कोई छोटी नहीं है, ये तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे पले हो कहाँ पे बड़े हो कौन सी लैंग्वेज आप वहां पे बात कर रहे हो। अगर आप इंडिया में हो तो ऑब्वियसली आपको हिंदी आएगी, अगर आप यहाँ पे हो तो इंग्लिश में अच्छे होगे। तो वही है कि जो कपिल शर्मा है वो इंडिया में है तो नहीं इंग्लिश इतनी अच्छी आती, कोई अमेरिका अगर अमेरिका में पले होते बड़े होते तो इंग्लिश आती, फर्क कोई नहीं, आपको कोई लैंग्वेज आ रही आती है नहीं आती वो इमेटीरियल है, सारी लैंग्वेजेस अच्छी हैं। पर इन्होंने बड़ा मजाकिए वे से बताया और जिस तरह से मेरे को तो वो बड़ा अच्छा लगा जिसमें वो बता रहे थे कि क्रिकेट किससे खेलते हैं जिससे वो कपड़े धोते हैं, तो भैया पहले कपड़े धो लिए फिर उसी के साथ जाके फिर हमने खेल लिया, और ये करते थे क्योंकि शेप तो उनकी सेम ही है ना, बैट की तरह ही दिखता है। हाँ, तो मतलब क्योंकि कपिल शर्मा जी पंजाब से हैं तो जब भी कोई बात करते हैं हमें इमीजिएटली समझ आती है, क्योंकि हमारे मोहल्लों में भी वैसी होती थी चीज़ें कि हम भी छोटे थे जब हमारी मदर वो पूरा जो है या उस जमाने में पहले मदर थी उसके बाद में मेड आने लगी, मगर जो भी वो काम खत्म होता था तो हम भाग के वही उठाते थे वही हमारा बैट होता था और उससे काम चलता था, और कोई भी मतलब जगह जगह पे सारे बच्चे यूँ ही खेलते थे तो वही उनसे रिलेट ईजिली हो जाता था, थापी बोलते मैं समझ गया था वो क्या बोल रहे हैं। मगर ये बात सही है कि आप अगर अमेरिका में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कोई आपको बुरी नज़र से नहीं देखता, वो पूरी जान लगाते हैं आपको समझने की, और कभी आपको लगेगा जेन्युइनली कोशिश कर रहे हैं आपको समझने में, वो कभी भी ऐसा नहीं दिखाएंगे कि आपकी नहीं, क्यों, क्योंकि वो कहते हैं देखो भैया इंग्लिश जो है यहाँ के लोग कहते हैं कि इंग्लिश हमारी मातृभाषा तो हमें पता है, वो कहते हैं आपको नहीं पता कोई बात नहीं हमें आपकी मातृभाषा नहीं पता, तो वो साफ साफ बोलते हैं कि ठीक है हमें पता है कि आप नहीं बोल पा रहे क्योंकि आपकी मातृभाषा नहीं है, और मैं आपकी भाषा नहीं बोल सकता तो मैं कौन सा महान हूँ, तो ये सीधा कई बार जो है वो बोल देते हैं कि देखो भाई मुझे तुम्हारी मातृभाषा नहीं आती तो मैं ये नहीं बोल सकता मैं महान हूँ, तुम्हें मेरी मातृभाषा नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं मगर फिर भी तुम्हें मुझसे ज्यादा आती है, मतलब वो ये भी कहते हैं कि देखो तुम्हें अपनी मातृभाषा आती है प्लस तुम इंग्लिश भी आती हो, तुम इंग्लिश मतलब काफी हद तक आती है तुम मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हो मगर मुझे जो है सिवाय इंग्लिश के कुछ नहीं आता, तुम्हारी मातृभाषा नहीं आती है इसलिए मैं तुम्हें बुरा नहीं बोलूंगा मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें समझने की। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, तो ये और उसका इनका एक्सपीरियंस सही था, बुरा कोई नहीं मानता, ये इंडिया में ही ऐसा है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो सोचते हैं आप पढ़े लिखे नहीं है, वो गलत है क्योंकि वो सिस्टम बन चुका है इस तरीके का कि आप सोच ऐसी हो चुकी है कि आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में सब कुछ इंग्लिश मीडियम है, जैसे मैंने पहले कहा था कि आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं हिंदी मीडियम में, बड़ा मुश्किल है, आप कैसे बन सकते हैं इंजीनियर या कैसे बन सकते हैं साइंटिस्ट हिंदी मीडियम में, तो सिस्टम ऐसा बन गया है कि डिपेंडेंस ऑफ इंग्लिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अगर आपको साइंस में को आर्ट्स का पता नहीं है मगर आपको साइंस के स्ट्रीम में जाना है इंग्लिश के बिना तो मर जाएगा अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो, ये और उसी लिए जो है यहाँ पे, और ये भी सही है जैसे हमने कई इंटरव्यूज की थी जिस जहाँ दिखा रहे थे कि बॉम्बे में कोई इंटरव्यू कर रहे हैं मुंबई में इंटरव्यू कर रहे हैं और जगह इंटरव्यू कर रहे हैं तो कि इंग्लिश के बारे में, तो वहाँ पर भी बच्चे कह रहे थे कि सही बात है कि जब कोई हमसे कोई बात करता है इंग्लिश में ही सबसे पहले हम बोलते हैं, वो इंग्लिश में बोलते हैं हम इंग्लिश में बोलते हैं, हम ना मराठी में बोलते हैं ना हिंदी में बोलते हैं, पहला जो है वो इंग्लिश ही है, वो कहते ऐसे ही क्या ऐसे ही बन गया। और इंटरव्यू भी अगर जॉब के लिए कहीं जाना है तो इंटरव्यू में भी वो इंग्लिश में ही पूछ रहे हैं तो फिर उसके लिए हमें फिर बेटर होना ही पड़ेगा इंग्लिश बोलने में, तो मजबूरी में भी उनको करना पड़ रहा है, सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि फोर्सफुली उनको इंग्लिश फॉलो करनी पड़े, बहुत मतलब
सैड बात है पर ये हो रहा है। और अगर मान लीजिए आप कहते हैं नहीं नहीं मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं जाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी बाद में जाकर। सिस्टम जो बना हुआ है वो सिस्टम जो है इंग्लिश मीडियम के हिसाब से बना हुआ है। अगर आपको वाकई आप बोलते नहीं नहीं मैं हिंदी मीडियम में जाऊंगा आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, मतलब आप जी नहीं रहेगा। तो आपको जो भी सिस्टम है इंग्लिश को मास्टर करना पड़ेगा। अगर वाकई आपको एटलीस्ट प्रोफेशनल फील्ड्स में जाना है आपको इंग्लिश को मास्टर करना पड़ेगा। और ये सिंपल एक भाषा है, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया में ऐसा दिखाते हैं कि अच्छा मगर ऐसा कुछ नहीं। भाषा ये सोच चेंज करनी पड़ेगी कि एक भाषा ही है, वो नहीं कि बड़ी बहुत बड़ी चीज हो भाषा, बाकी भाषाओं की तरह एक भाषा है। पर इसमें जो शुरू में इन्होंने बताया था ना वो बड़ा मजेदार था कि जब वो अपनी फिरंगी मेरे ख्याल से मूवी कर रहे थे तो उनके पास फिरंगी में अंग्रेज एक्टर्स होंगे ना, तो मुझे वो वाला पार्ट बड़ा अच्छा लगा कि उससे पूछा क्योंकि उन्होंने लोगों को सुना हुआ था हैव यू एवर बीन टू इंडिया। अबे अच्छा उन्होंने बोला कि मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अरे भैया वो इंडिया में ही बैठा हुआ है और तू इंडिया में ही तुम पूछ रहे हो उससे हैव यू एवर बीन टू इंडिया। तो वो भी बेचारा इतना बेचारा सीधा बंदा था, उसने कहा आई बीन लिविंग हियर सिंस 10 years। तो मैंने कहा मैं तो उसको ये बोलती अगर मैं होती कि अरे भाई मैं अभी कहा हूँ हैव यू एवर बीन टू इंडिया, मैं इंडिया में ही हूँ। बीन का मतलब क्या है? उसका मतलब है हैव यू एवर बीन टू इंडिया बिफोर। फिर अलग बात है, बीन बिफोर समझ आता कि इससे पहले कभी आए हो तो समझ में आता, पर अगर आप बोल रहे हैव यू एवर बीन टू इंडिया, मैं कहूंगी मैं बैठी तो हूँ, बीन का मतलब है आ तो गई। तो काफी अच्छा था, मजेदार था। तो वही है मजा आता है ऐसे जब कोई जैसे ये इंग्लिश की खिचड़ी बना रहे थे ना और इतनी हंसी आ रही थी, वैसे ऋषि की हिंदी सुन के ना वो खिचड़ी बनाते तो मजा आता है। मगर फर्क ये है कि इंडिया में जो है इंग्लिश बहुत प्रेवलेंट है। अगर आप स्कूल में जाते हैं तो आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी, आपकी डिपेंडेंसी है पूरे प्रोफेशन। मगर यहाँ पे जो है तो स्कूल में हिंदी नहीं सिखाई जाती, तो लोगों को ये समझ नहीं आता कि आपका बच्चा हिंदी नहीं बोलता, स्कूल में हिंदी नहीं सिखाते, यहाँ पे जो है कहीं हिंदी नहीं सिखाते। और मोस्टली हमारे भी जो फ्रेंड सर्कल है उनके भी बच्चे जो है किसी को भी हिंदी नहीं आती, और कई पंजाबी है बच्चों को पंजाबी नहीं आती। शुरू शुरू में बचपन में उन्होंने जो सीखी थी पर आगे जाके जैसी स्कूल शुरू हुआ तो उनका भी पंजाबी बोलना बंद हो गया। और कोई ऐसा नहीं है जो आपको ग ग ग सिखा रहा हो, और टाइम भी नहीं है सिखाना, चाहे भी कोई तो इतना कुछ है, स्कूल की पढ़ाई हो गई बाकी चीज हो गई, बच्चे के पास टाइम भी नहीं। उसके बाद मैं कह रहा था उसके बाद आप अप्लाई कहाँ करेंगे। एक चीज है प्रैक्टिकलिटी लाइफ की, जब आप इस माहौल में पैदा हुए हैं आप सीख भी लेंगे तो कहाँ अप्लाई करेंगे, किससे बात करेंगे, हम ही है खाली। सिर्फ पेरेंट्स ही रह गए, और दुनिया भर में जगह जगह से लोग आते हैं, कई लोग तमिल बोलते हैं, कन्नड़ा बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, बहुत सारे लोग तेलुगु बोलते हैं, हमारे बहुत कम फ्रेंड्स होंगे जो एक्चुअली हिंदी वाले होंगे, पंजाबी हैं, जगह जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जगह जगह से लोग। तो वो उन सब के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश ही मेन है, क्योंकि उनके बच्चे भी इंग्लिश में बात करेंगे आपके बच्चे से, और आपका बच्चा भी इंग्लिश में बात करेगा, तो वो सिचुएशन ही थोड़ी डिफरेंट होगी। पर हाँ सब कोशिश ये जरूर करते हैं कि बच्चे को कुछ तो आ जाए हमारी लैंग्वेज, वो ट्राई बहुत करते हैं। और अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, वो फिर हेल्प करते हैं बच्चों को हिंदी, वो बच्चे जब उनसे बात बात करते हैं तो हिंदी। अगर आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स हो जिनको सिर्फ हिंदी आती हो, जैसे हमारे केस में मुझे जितनी भी पंजाबी आती इसलिए आती थी क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को सिर्फ पंजाबी आती थी, हमारे अगर आपने उनसे बात करनी है तो आपको पंजाबी में ही करनी पड़ेगी और कुछ चारा नहीं है, तो पंजाबी आ गई उनसे बोल बोल के बात। नहीं मेरे केस में थोड़ा डिफरेंट था कि उनसे बात करने के लिए उनको पंजाबी ही में बोलना, वो नहीं था वो आपसे पंजाबी में ही बात करेंगे चाहे उनको हिंदी में बोलोगे, उनको हिंदी समझ आ जाएगी पर वो आपको आंसर सिर्फ पंजाबी में करेंगे। तो आपको इसलिए मुझे पंजाबी बोलनी इतनी अच्छी नहीं आती पर समझ आ जाती है। अब हमारे केस में ऋषि को कैसे सीखेगा, हम ही बोलते हैं, और का पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स भी हो तो उनको इंग्लिश आती है तो वो कोशिश करते हैं इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की, तो वो मतलब उस वजह से। पर डेफिनेटली मैं 100% शुरू उसको आ जाएगी, वो एक महीना इंडिया वो यू बोलेगा हिंदी क्योंकि उसने बचपन से हिंदी सुनी है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से। डेफिनेटली एक दो महीने में कोई उसे रेगुलर हिंदी बात करेगा तो शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे एक जरूर बात पता चलती है लैंग्वेज कोई भी हो, आप अगर आपको ठीक नहीं आती लैंग्वेज तो उसकी कॉमेडी बन सकती है। हमारा केस में हमने हिंदी की कॉमेडी बना दी थी, कोई नो ऑफेंस किसी लैंग्वेज का हम मतलब मजाक नहीं उड़ा रहे,
पर ये बता रहे हैं कि उसमें बन जाती है और यहाँ पे इंग्लिश की भी कॉमेडी बन गई है तो, और कईयों ने लिखा भी था, ऋषि ने तो कपिल शर्मा शो की कॉमेडी को भी बीट कर दिया है। तो अगर आपने वो वाला मिस कर दिया ना, अभी रिसेंटली डाला था मैंने, तो वो आप चेक करना, कुछ ऐसे था ऋषि टेस्ट हिंदी टेस्ट या कुछ करके, वो जरूर देखना, हंस हंस के पागल हो जाओगे। उससे बढ़िया तो है उससे पहले वाला अमेरिकन ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश हिंदी कुछ इस टाइप से था, वो पूरा है वीडियो, उसमें इसका टेस्ट लिया गया था जब मैंने उसको इंग्लिश में हिंदी में बोला और उसको कहा इंग्लिश में बोल, और उसके बाद फिर मैंने ये पार्ट किया था जिसमें मैंने उसको बोला कि मैं अब इंग्लिश में बोलूंगी, अब तू उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर, और ये पूरा पार्ट नहीं दिखाया हमने, बहुत छोटा सा पार्ट उसका दिखाया था, वो वीडियो तो काफी लंबी थी, तो वो आप देखना, वो भी बहुत मजेदार है। तो चलो फ्रेंड्स, बहुत बोल लिया, मतलब रिलेट हो गए ना इस वीडियो के साथ, इसलिए तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।